सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सीमेंस 828D बेसिक जो कंट्रोल है उसके कीबोर्ड के बारे में। तो उसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो जो की लगी हुई है उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। तो वीडियो अच्छे से देखिए, सीमेंस 828D बेसिक कंट्रोल है जिसके कीबोर्ड के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो कीबोर्ड में दोस्तों अच्छे से देखो, आप वीडियो दिख रहा है आपको क्लियरिटी। नया प्रोग्राम जब भी अपन डालते हैं तो कैसे डालते हैं, उसके लिए प्रोग्राम मैनेजर में जाते हैं अपन। सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर की की दबाते हैं। प्रोग्राम मैनेजर की दबाने के बाद जो प्रोग्राम अपन को सेलेक्ट करना है वो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, प्रोग्राम मैनेजर को सबसे पहले दबाओ, आप प्रेस करो प्रोग्राम मैनेजर। उसके बाद आपको प्रोग्राम मैनेजर दबाते हैं दोस्तों, एनसी में जो सीएनसी में प्रोग्राम डले हुए हैं सारे की सारी डायरेक्टरी आपको दिख जाएगी, जितने भी आपके प्रोग्राम डले हुए हैं। इस तरह से आपको जो भी प्रोग्राम पहले से पड़े हुए हैं सब आपको दिख जाएंगे। और जो फाइल टाइप आती है दोस्तों वो MPF में आती है, सीमेंस के में, और अपन किसी दूसरे फानुक से लेते हैं तो वो भी MPF में कन्वर्ट हो जाती है सारी की सारी। MPF फॉर्मेट है, तो अपन जब भी सीमेंस से फानुक में डालते हैं तो वो चलती नहीं है फाइल, क्योंकि MPF में फानुक में नहीं होता। ये NC मशीन की खुद की मेमोरी है दोस्तों, मेमोरी NC में जाके ही अपन हर चीज की फाइल देख सकते हैं। और आप पेन ड्राइव लगाना चाहते हो, पेन ड्राइव में भी आप प्रोग्राम लेके यहाँ पे ऑन हो जाएगी USB, तो अभी ऑफ है क्योंकि पेन ड्राइव लगी नहीं है। और इसी तरह से अपन फ्लैश कार्ड भी लगा सकते हैं, फ्लैश कार्ड लगा के वो फ्लैश कार्ड भी यहाँ दिखा देगा आपको, CF कार्ड। तो CF कार्ड भी आप लगा सकते हो, पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, उसमें से प्रोग्राम ले सकते हो, रन कर सकते हो। और बहुत अच्छा वीडियो, जो भाई नए हैं, नए सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं उनके लिए, बहुत भाइयों को पता नहीं होता कि कीबोर्ड कैसे यूज करते हैं। उसके बाद ये एम पोजीशन है दोस्तों, एम पोजीशन का बटन है। एम पोजीशन से मशीन पोजीशन जिसको बोलते हैं, ये वर्क पोजीशन भी दिखा देगा आपको, और मशीन की जो होम पोजीशन से जहाँ खड़ी है मशीन वो भी शो कर देगा। अपन यहाँ से सेट करेंगे राइट हैंड साइड पट्टी जो है एक्चुअल वैल्यू मशीन, वो भी शो कर देगा X1 Y1 Z1। तो ये दोस्तों मशीन वैल्यू है, रेफरेंस पोजीशन से जहाँ 0 0 होती है वहाँ से कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है X और Y और Z, वो सारी चीज़ आपको दिखा देगा सिस्टम, ठीक है। रिलेटिव में भी अपन कर सकते हैं, रिलेटिव में जो X0 Y0 करना होता है जैसे फानुक में करते हैं, उसी तरह से आप सीमेंस में भी कर सकते हो। रिलेटिव एक्चुअल वैल्यू, तो रिलेटिव एक्चुअल वैल्यू जैसे दबाएंगे तो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा दोस्तों X और Y और Z जिसको अपन को करना है। जॉग में लेके होगा, ये जॉग दबाने के बाद ही वो रिलेटिव सेट रिलेटिव आएगा। तो सेट रिलेटिव में आते ही ये X Y Z हाईलाइट हो जाएगा और आप यहाँ से 0 0 कर सकते हो। जैसे X0 दबाया तो X0 का जाएगा, Y दबाया तो Y का, और Z दबाया तो Z का। तीनों दबाना तो आपको XYZ इक्वल टू 0 वाला दबा दोगे तो तीनों एक साथ में हो जाएंगे, जिस तरह से अपन उसमें करते हैं। तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो रिलेटिव वैल्यू को, और फानुक में भी आप इस तरह से जब भी अपन डायल करते हैं किसी की रिलेटिव चीज देखनी हो तो अपन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो में जाके अपन ऑटो की साइकिल में जो चल रहा है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम फाइल अपन को मिल जाएगी, तो यहाँ से अपन रन कर सकते हैं जो भी प्रोग्राम है। और प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए आप प्रोग्राम मैनेजर में जाके भी कर सकते हो। ये ऑफसेट का पेज है दोस्तों, ऑफसेट के पेज में जाने के बाद आपको वर्क ऑफसेट दिखाई देगा। वर्क ऑफसेट में 54 से 59 तक तो अपन लेते हैं, उससे आगे भी G507 508 इस तरह से इनको भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वर्क ऑफसेट हैं दोस्तों,
आप इनको भी अच्छे से यूज कर सकते हो। टूल लिस्ट में अपना टूल लोकेशन, टूल नेम और जो ऑफसेट नंबर है डी के रूप में, D1 D1, हर टूल में D1 डला हुआ, और एच अपन फानुक में चलाते हैं तो एच वैल्यू भी सेट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है, एच में भी ले सकते हो आप और डी में भी ले सकते हो। तो जब फानुक का प्रोग्राम यूज करेंगे तो अपन एच काम में ले लेते हैं और सीमेंस के रूप में चला देते हो डी यूज करते हैं। ये टूल पोजीशन दिखा रहा हूँ दोस्तों, टूल पोजीशन यहाँ पे लोकेशन दिखा रही है। लोकेशन स्पेंडल का आर्म के दो हैं और फिर पॉकेट नंबर है सारे। टूल टाइप है, ड्रिल है, टेप है, क्या लगा रखा है अपने वो है, फेस मिलिंग कटर है, एंड मिल है, टूल नेम भी डाल रखा है 1 to 20, 20 की मैगजीन है, तो उस तरह से आप सेट कर सकते हो। डी एच और ये लेंथ है जो ऑफसेट अपन डालते हैं जेड में, और फाई का निशान लग रहा है दोस्तों। जब कंपनसेशन में एंड मिल चलाते हैं तो यहाँ पे डायमीटर डाल देते हैं ताकि अपने कंपनसेशन में जो प्रोग्राम चलते हैं 41 42 में वो यूज कर सके। तो यहाँ डायमीटर ही सेट करते हैं अपन, रेडियस नहीं डालेंगे। फानुक में रेडियस डलती है और यहाँ पे डायमीटर डलता है। टिप एंगल है, टिप एंगल भी दोस्तों डाल सकते हो, वैसे इसका कोई यूज नहीं है। इसी तरह से टूल वियर है, टूल वियर में आप टूल टाइप दिखेगा वो सेम चीज है सारी चीज। यहाँ पे आप जो जेड में वैल्यू डालनी है 1 mm तक वो आप डाल सकते हो, इसी तरह डायमीटर में भी डाल सकते हो। तो मैगजीन, पोजीशन, वर्क ऑफसेट, टूल ऑफसेट सारे एक ही पेज में जाएंगे, टूल लिस्ट में और वर्क ऑफसेट में। वर्क ऑफसेट में भी आप माइनर कर सकते हो। मैगजीन की पोजीशन दोस्तों, मैगजीन दिखा रही है यहाँ पे सारी चीजें। DZL इनका कोई यूज नहीं है, आप इनको छेड़ना भी मत। वर्क ऑफसेट है, वर्क ऑफसेट में आप फाइन और ज्योमेट्री दोनों एक साथ ही दे रखा है, तो आप G549 तक आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे G54 है वैसे ही G549 तक आप यूज कर सकते हो। 459, 4509, 510, जितनी भी आप यूज करना चाहते हो उसमें कर सकते हो, कहीं दो दिक्कत नहीं है। 54 की तरह ही आप उनको यूज प्रोग्राम में ले सकते हो। जब आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट हो तो बहुत सारी आपको वर्क ऑफसेट की जरूरत पड़ेगी, या G10 में भी आप सेट कर सकते हो। कीबोर्ड के बारे में दोस्तों और भी कुछ आपको जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट्स बॉक्स में मैं जवाब दूंगा। और नए प्रोग्राम को आपको बनाना है तो दोस्तों नई फाइल खोलने के लिए प्रोग्राम मैनेजर में जाके न्यू, राइट साइड में न्यू फाइल का ऑप्शन आता है उसको दबाएंगे तो अपन यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कोई भी, प्लीज एंटर ए न्यू नेम। तो आप न्यू नेम में अपने नाम से, कंपोनेंट के नाम से नई फाइल सेव कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैनिफोल्ड, और मैनिफोल्ड लिख के एंटर मार दूंगा, जो एंटर का बटन आता है ओके कर दो या एंटर मार देंगे तो ये नई फाइल खुल के अपने पास रेडी हो जाएगी। MPF टाइप की है, मैन प्रोग्राम फाइल है। मैन प्रोग्राम फाइल में आप इसके बाद कीबोर्ड की सहायता से, जो कंप्यूटर वाला कीबोर्ड है सेम है, तो उसी तरह से आप लिख के आप इसमें डाटा कर सकते हो। एग्जीक्यूट करना है तो ऊपर जाकर एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ये मेरे पास एक नई फाइल है, इसको मैंने जो चला रखा है वो दिखा रहा हूँ आपको, ये ओपन हो गया। MPF टाइप के G29 लगा रखा है मैंने, फानुक का प्रोग्राम था उसको सीमेंस में रन कर रहा हूँ, तो सबसे टॉप में अपन G29 लगा देंगे। टूल नंबर के हिसाब से ही एच नंबर लेगा दोस्तों, एच इसमें सिर्फ यही है कि एच टूल नंबर के हिसाब से ही डलेगा। जैसे T10 है तो H10 लगेगा, T1 है तो H1 लगेगा, और आप सीमेंस के हिसाब डालना चाहते हो तो T1 D1 D2 D3 D4 चार प्रकार के ऑफसेट ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एच और टी है, दोनों सिमिलर होना चाहिए, T1 और H1। सीमेंस में आप किसी एक नंबर टूल नंबर के लिए आप दूसरा ऑफसेट नहीं ले सकते, जैसे फानुक में लेते हैं, सिर्फ फानुक में ही है वो। सीमेंस में आप टूल और एच के हिसाब से ही लोगे, T1
वन है, एच वन है, टी 12 है तो एच 12 है, तो इस तरह से एच और टी सेम आता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और जो भाई चैनल पे हैं उन सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको भी सीखने को मिले। और मैं दोस्तों सारी चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा आपको, आप जो भी डिमांड करोगे मैं बनाता रहूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों को, ताकि कीबोर्ड के बारे में, सीमेंस के कीबोर्ड है उसके बारे में पता लग सकते हैं कि अपन क्या करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, कोई भी अक्षर इसको अगर कैंसिल करना है तो आप बैक स्पेस दबा दें, जैसे कि फानुक में भी होता है, कैंसिल होता है उसमें, इसमें बैक स्पेस है, और आप एंटर मार दिया तो एंटर मारने के बाद आप डिलीट भी कर सकते हो, ऊपर ले जाके इसको डिलीट से अपन हटा सकते हैं। तो डिलीट का बटन है, डिलीट बटन दबाते ही वो सारा आपका डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप यूज कर सकते हो कीबोर्ड को सीमेंस के लिए, और बहुत अच्छा वीडियो बनाया दोस्तों। आप जो भी लर्नर हैं,